नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर के पनागढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा राम कथा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि यहां पर लाखों की तादाद में भक्त पहुंचे हैं और भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। लाखों की तादाद में यहाँ भक्त पहुँचे हैं राम कथा के श्रवण के लिए। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करके उनके अनुभवों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? पनागढ़ से ही। पनागढ़ से आप? हाँ भैया, पनागढ़ से। तो बागेश्वर धाम की कथा यहाँ पर चल रही है, ये कथा सुनकर के कैसा लग रहा है? एकदम आनंदित। आज पहला दिन है कथा का। कितने बजे तक ये? 4 बजे से 7 बजे तक। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर पहुँचे हैं और 7 दिन तक जो है ये कथा होने वाली है। तो उनकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से यहाँ जो कथा हो रही है, उस कथा को देख करके आप लोग कैसा महसूस? हम लोग सभी पनागढ़ वाले बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं इस कथा को लेके, और काफी लोग उत्साहित रहे पहले ही से। 28 और 29 तारीख को दिव्य दरबार यहाँ लगेगा, जो सुबह 10 बजे से शाम तक चलने वाला है। आप प्रभु इच्छा तक। आप कहाँ से? पनागढ़ से? मैं जबलपुर पनागढ़ से। तो ये कथा, राम कथा जो हो रही है, तो यहाँ अभी बागेश्वर धाम की कथा दूसरे जगहों पर होती थी, जबलपुर में पहली बार हो रही है जी। तो कैसा अनुभव रहा आपके? अनुभव ऐसा रहा कि पूरा पनागढ़ भक्तिमय हो गया, और इसी तरह राम कथा गुरु जी पूरी दुनिया में करते रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि वो चाहते ही हैं कि राममय हो जाए पूरा इंडिया, इसी तरह फिर हम हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है? क्यों नहीं बनना? हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा होना बाकी है। नहीं तो हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है। हाँ, बस उसकी घोषणा, सील लगना जरूरी है ना भाई, किसी भी प्रमाण पत्र में सील लगना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी, हिंदू जब है तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन हिंदू राष्ट्र के साथ में अगर उसकी एक मोहर लग जाए, और वो कब लग पाएगी? जब समस्त हिंदू एक हो पाएंगे। दिव्य दरबार कब? दिव्य दरबार 27 से 28 तारीख को। कुछ लोग अभी बोल रहे थे कि 26-27 को है, कुछ लोग 27-28 से 28 तारीख को दिव्य दरबार जी। जी, सब समस्त जनताओं की मनोकामनाएं पूरी होंगी, लोगों को बुलाया जाएगा, उनकी जो मन की इच्छाएं हैं वो गुरुदेव पहले से पर्चे में लिख लेंगे। और आप मीडिया भी अगर चाहे किसी भी व्यक्ति को उठा के लेके आए, तो ये साक्ष को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम? हाँ, क्योंकि जहाँ हनुमान जी की शक्ति है वहाँ ऑटोमेटिक काम होते हैं, और हो ये वही जो राम रचिरा का, भगवान राम खुद चाह रहे हैं कि इंडिया आगे बढ़े, हिंदू एक हो। हिंदू भगवान राम सिर्फ इंडिया को आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बोलेंगे, वो तो सोचेंगे संपूर्ण मानव समाज। आपके और हमारी सोच में ये बॉर्डर है, बाकी सभी उनके तो हम भी कह रहे हैं, उनकी नजरों में बॉर्डर थोड़ी ना है, उनका तो समस्त संसार उनका है, समस्त संसार उनका है, और वो राममय हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं, विदेश के लोग भी सीताराम कर रहे हैं, साधु जी जय श्री राम। तो हम भी बोलेंगे बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, और समस्त पनागढ़ जनता की, और साथ में आदरणीय विधायक इंदु तिवारी जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा मौका पनागढ़ की जनता को दिया, जबलपुर की जनता को दिया। बोलो बागेश्वर धाम की जय। और कल जो ये यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई, वो एक अलौकिक शोभा यात्रा थी, लाखों की तादाद में शोभा यात्रा में लोग सम्मिलित हुए। बात नहीं है, लाखों के ऊपर की संख्या में, और इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। कलश यात्रा, भव्य एवं दिव्य कलश यात्रा पनागढ़ में ऐतिहासिक कलश यात्रा के रूप में कल यहाँ पर निकली है, और आज हमारे यहाँ प्रथम दिवस की कथा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा कथा का कार्यक्रम चल रहा है, और तीनों पंडाल भर चुके हैं। इसके बाद भी यहाँ पर जनसंख्या उससे भी अधिक है, और भगवान की कृपा से
पनागर वासियों को बहुत अच्छा मौका मिला कथा सुनने का और हमारे सम्मानीय राम भक्तों का स्वागत करने का। बिल्कुल, राम भक्तों का स्वागत करने का, हम लोगों को, हम लोग सेवा दे रहे हैं, हम लोगों को सेवा का अवसर मिला और हमारे पनागर के सम्मानीय विधायक जी द्वारा इस कार्यक्रम को रखा गया है और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे समस्त क्षेत्रवासियों के लिए जो वहाँ नहीं पहुँच पाते बागेश्वर धाम, उनके लिए भी पंडित जी को बुलाकर यहाँ सब लोगों को दर्शन प्राप्त हुए, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और समस्त कार्यकर्ता अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। क्या व्यवस्थाएं हैं? और व्यवस्थाएं संपूर्ण, कोई कभी कमी से नहीं, किसी तरह की कोई भी नहीं। कल कलश यात्रा में कम से कम तो नहीं होगा 20,000 से ज़्यादा महिलाओं ने कलश यात्रा की है। सभी गोड़ा बग्गी ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार किया। धन हमारा विधायक, भागशाली विधायक, हमारा क्षेत्र का विधायक श्रीमती जी माया भाभी जी, उनकी बालक हर्षवारी सांसद जी, उन लोगों ने पैदल यात्रा की है, कलश यात्री साथ में पैदल यात्रा की है। हम लोग धन्य हैं ऐसे विधायक के जो बागेश्वर धाम के द्वारा उनका भाग खोला। हम लोग सेवा में अर्पण, 24 घंटे सेवा में लगे सारे कार्यकर्ता, और जो सेवा बनती है सबके जूठा पत्र सब उठाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कथा का जो स्थान है, इसके साथ ही साथ जबलपुर परागर पूरी तरह से राममय हुआ है और भक्ति के माहौल में सारे लोग सराबोर दिखाई देते हैं। हमारे पीछे भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और लाखों की तादाद में पंडाल के भीतर भी भक्त हैं और उतने ही भक्त मेरे चारों तरफ आप यहां पर विचरण करते हुए देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब कथा की ओर, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। कल और भगवान
Thank you.